टुडे वी आर सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2. एक्चुअली एक्सरसाइज 1.1 इज टोटली बेस्ड ऑन द थ्योरी पार्ट दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एंड द क्वेश्चंस. इफ यू विल गो थ्रू द क्वेश्चंस यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशंस इन दैट थ्योरी पार्ट. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग आवर एक्सरसाइज 1.2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो एक्सरसाइज 1.2 का जो थ्योरी पार्ट है वो आज नहीं दूंगा मैं, क्योंकि जो वो थ्योरी में दे अगर मैं दूंगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा एंड यू हैव नो सो मच टाइम. आपको मैं एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करूंगा आपके सामने एक एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के अनुसार मैं आपको जहाँ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा मैं वहीं पर उसका प्रॉपर्टी बताता जाऊंगा. देखो जो फर्स्ट वीडियो आप लोगों को जो हम दिए थे दैट वाज साइन कंसेप्ट, वो साइन कंसेप्ट आज इस्तेमाल समझ में आएगा उसका. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट. फर्स्ट क्या है? -6 × 7. देखो यही है ना, फर्स्ट का फर्स्ट प्रोडक्ट करना है. तो प्रोडक्ट में हम बताए थे कि भाई प्रोडक्ट में देखो साइन कंसेप्ट में भी बताया होता, मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 7 = 42. अब यहाँ पे साइन लगाना है तो माइनस का काउंटिंग देखो तो कितने हैं, इवन है कि ऑड है. तो ये वन का मतलब ऑड होता है ना, तो वन ऑड है. जब भी ऑड हो माइनस का तो आंसर निगेटिव में ही आएगा. ठीक है, अगर हम इसी तरह से एक और भी एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो कि हम लेते हैं -4 × -5. देखो हम एक एग्जाम्पल लिए, बुक आई है ये, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 6th. अगर 6th की बात करें तो -4 × -5 क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई लिख दो करके, है ना, 20 हो गया. रिजल्ट क्या होगा, माइनस में होगा कि प्लस में होगा? अगर तुम इस तरह से करोगे माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, तो एक साथ में 10 साइन आ जाएंगे तो उस समय हो जाएगा कंफ्यूजन. ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे माइनस और माइनस, कितना माइनस, 2 माइनस. और जब 2 की बात करते हैं 2 इज इवन, और इवन की बात करें तो रिजल्ट हमेशा प्लस में होगा. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा, एक चीज और भी देख लो, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट 0 होता है, चाहे वो नंबर निगेटिव हो या फिर वो नंबर मेरा पॉजिटिव हो. दोनों के केस में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 0 होता है. कारण क्या है कि 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव. देखो ये भी पढ़ाया हुआ है. ठीक है, अगर -2 को मल्टीप्लाई करें 0 से तो भी 0, +2 को मल्टीप्लाई करें 0 से तो भी 0. दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, ब्रैकेट में करोड़ों नंबर लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो 0 से, आंसर 0 होना है. तो 0 एक ऐसा नंबर है विच इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, सो इट हैज नो पर्टिकुलर साइन. इसका कोई पर्टिकुलर साइन नहीं होता कि प्लस का 0 लिखेंगे कि माइनस का 0 लिखेंगे. ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हमेशा एक चीज याद रखना कि मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं 0 को तो वो 0 ही होता है, लेकिन डिवाइड में एक चीज गलत है. क्या, अगर हम यहाँ पे 0.2 यानी कि कोई भी नंबर लिखे तो रिजल्ट 0 है, लेकिन 0 10/0 कर दिए या फिर 2/0 कर दिए या कोई भी नंबर के नीचे 0 कर देंगे तो ये नॉट डिफाइंड होगा मेरा, ये है ना. तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, ध्यान समझना. नेक्स्ट इज व्हाट, कम टू क्वेश्चन नंबर 2. देखो जो कंसेप्ट हमारा दिया हुआ है अगर उसको फॉलो करते हो आप तो देखो ये बिल्कुल ही आसान एक्सरसाइज है, इसमें ज्यादा माथा फोड़ी नहीं है, है ना. ये 10 मिनट का भी अगर सॉल्व करें तो ये 10 मिनट का भी एक्सरसाइज नहीं है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, अगेन वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज व्हाट, -9 × 3 × -7. देखो तो कितनी कितना अच्छा क्वेश्चन है ये. माइनस प्लस से हमको क्या मतलब, चाहे जो भी रहे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखो पहले. तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 3 = 21 एंड 9 = 189 होता है मेरे ख्याल से, हो गया ना 189, आ गया आंसर 189. अब माइनस में कि प्लस में, तो माइनस का साइन काउंटिंग करो ना, 1, 2, 2. अब जब 2 साइन हो गया माइनस का दैट इज इवन, और जब भी इवन की बात करेंगे तो इवन हमेशा पॉजिटिव होता है. बताया थे ना हम आपको, पहले भी बताया हुआ है कि इफ माइनस का इवन अगर करते हैं तो आंसर पॉजिटिव, और अगर ऑड होता है तो आंसर निगेटिव होता है. काउंटिंग करना है बस हमको. देखो एक एग्जांपल हम और भी ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4. ये था 1, ये था क्वेश्चन नंबर
फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है, माइनस 10 इंटू 21 माइनस 10, ये मिटा दूं मैं पहले, माइनस 10 इंटू 21, ये भी माइनस में ही है, इंटू माइनस 20 क्या है रिजल्ट, चाहे जो भी आए साइन आगे का माइनस होगा, क्यों माइनस 3 है, 3 को बोलते हैं ऑड, तो ये ऑड हो गया, तो ऑड हमेशा क्या है कि नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव आंसर ही देगा। ठीक है क्लास, आपको क्या करना है कि ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको अच्छे से समझना है, नहीं समझ में आया तो पूछना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा एक बार देखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स पे बेस्ड हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 वो ट्रू और फॉल्स पे बेस्ड है। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, 3 का 1 फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, माइनस 3 इंटू माइनस 4 देन ईयर इज ग्रेटर स्मॉलर देन 0, ये 0 से बड़ा है कि छोटा है। तो देखना एक चीज याद रखना हमेशा, इंटीजर है मेरा, यहाँ है 0, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 डॉट 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 डॉट, इधर है मेरा पॉजिटिव साइन, इधर है मेरा नेगेटिव साइन, बीच में आ गया मेरा ये वाला 0, ना ये नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो जो 0 के लेफ्ट साइड में जितना दूर रहेगा वो उतना ही छोटा नंबर होता है, और जो 0 के राइट साइड में जितना दूर रहेगा नंबर वो उतना ही बड़ा होता है। इसका मतलब अगर हम बोले कि ये 0 से बड़ा है कि छोटा, तो इससे देखो 0 से दूर है ना, यानी ये 0 से भी छोटा है, माइनस 1 से भी छोटा है, माइनस 2 से भी छोटा है, लेकिन ये 4 से बड़ा है। ठीक है अगर हम बात करें 4 का, तो ये 4 तो इधर वाला जितने नंबर है सबसे बड़ा है, तो पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, लिसन टू, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, सेकेंड थिंग जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, जीरो इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, फिर उसके बाद में क्या बोलेंगे, हायर द वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर लेजर विल बी देयर वैल्यू। ठीक है जितना नंबर बढ़ेगा नेगेटिव में उतना ही छोटा होगा, नेगेटिव का मतलब मान के चलो चलो कि आप किसी से उधार ले रखे हो 100 रुपया और 50 रुपया, बोलो कम किस में है, तो 50 रुपया में है ना, यानी ज्यादा मेरा 100 है। तो ध्यान समझना कि जब भी नेगेटिव की बात करते हैं हम, तो नेगेटिव में जो नंबर होंगे वो हमेशा 0 से ही छोटे होंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 and 4 दैट इज 12, आंसर इज प्लस एंड हियर इज इट इज ग्रेटर देन 0। तो अभी बताया कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो उस कंडीशन में हो गया ना मेरा ये गलत, तो यहाँ पर करेंगे ये जो लिखा हुआ है दिस इज नॉट ट्रू दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है मेरा। ठीक है ना, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 3 दैट इज माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 2, ये 2 से बड़ा है इधर वाला, कैसे करके देखते हैं ना, ये हो गया माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है फॉल्स, फिर से क्यों फॉल्स, क्योंकि भाई एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको लिख भी लेना कहीं, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर देन सॉरी ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है फिर देखो ये तो हो गया हमारा क्या फॉल्स, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या है, माइनस 5 इंटू 2 इज स्मॉलर देन 0, देखते हैं सही है कि गलत, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 इज ग्रेटर देन 0, माइनस 1 साइन है, 1 साइन का मतलब ऑड है एंड ऑड का आंसर नेगेटिव में आता है, तो माइनस 10 इज स्मॉलर देन 0। अभी हम क्या बताए थे, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 0,
तो जीरो के जो जितना करीब होगा उतना पास होगा, उतना बड़ा नंबर होगा, और जो जितना दूर है उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ये -10 काफ़ी दूर है जीरो से, तो इस कंडीशन में हमारा ये वैल्यू बिल्कुल ही ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका मैं एक एक क्वेश्चन करूंगा ताकि ये हर एक क्वेश्चन एक नया तरह का स्टेटमेंट दे रहा है हमको। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 6 × -4, 6 × -4 इज स्मॉलर देन 0। क्या ये सही है? अरे बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि 24 है, रिजल्ट माइनस में है, तो भाई माइनस का जो भी नंबर होगा हमेशा छोटा होगा जीरो से। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th को, क्वेश्चन नंबर 5th इज 9 × -1 इज व्हाट, इक्वल टू -9। बिल्कुल सही है, ये ट्रू लिख दो यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई करो तो 9 होगा, एक निगेटिव है तो निगेटिव ही आंसर आएगा ना, ऑड होने के कारण। नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है -3 × -3 इज इक्वल टू -9। देखो ये जो है ना ये गलत है, क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस दो माइनस है, यानी कि दो का मतलब होता है इवन, और इस कंडीशन में जो रिजल्ट आना चाहिए वो मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, ना कि निगेटिव आना चाहिए। तो ये हो गया मेरा फॉल्स, इधर देखे तो ये है मेरा ट्रू। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे फॉल्स, लिखेंगे रीजन भी चाहो तो लिख सकते हो कि सिंस वी नो दैट इफ द माइनस नंबर ऑफ माइनस साइन इज इवन देन द रिजल्ट मस्ट बी इन व्हाट, प्लस साइन, मस्ट बी इन व्हाट, पॉजिटिव, एंड इफ द नंबर इज इन नेगेटिव देन वी विल से दैट इट इज, इफ इट इज ऑड देन द आंसर विल बी ऑफ नेगेटिव। देखो क्लास होता क्या है ना कि आपको आता सब कुछ है, आप कंफ्यूज्ड कर जाते हो। क्यों? क्योंकि जो आप सीखते हो उसको आप अप्लाई नहीं करते हो। आप उसको अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में उसको तरीके से देखो, समझो, उसको करने की कोशिश करो, ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, क्वेश्चन डिफरेंट लाओ, अपने तरफ से क्वेश्चन बनाओ। नहीं समझ में आए उसका स्क्रीनशॉट खींच करके, स्क्रीन वो पिक लेकर के आप भेजो कि सर मेरी गलती खोजो इसमें से। अगर आप केवल ये कहते हो कि सर आप है ना पूरा एक्सरसाइज 7.2, 2.1, 1.2 सर ये पूरा का पूरा आप ही सॉल्व करके दे दो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। मैं आपको पढ़ाने के लिए हूँ, ना कि चीटिंग कराने के लिए। मैं लिख करके भेजूँ, आप कॉपी में उतार लो, ना मुझे पसंद है ना कभी मैंने किया, सिंपल सी बात। तो आप क्या करो, आप एक एक क्वेश्चन को खुद ईमानदारी से सॉल्व करो, खुद के लिए पढ़ो। हो सकता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन तरीका यही है पढ़ने का। थैंक यू क्लास, इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वी विल टॉक सम मोर इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर 1।